दोस्तों, अगर आपने भी अपना सिम कभी पोर्ट कराया है तो आपको पता होगा कि जब सिम पोर्ट होता है तो पोर्ट होने के लिए दूसरी कंपनी में जब वो एक्टिव होता है तो वहां पर उसको 3 या 5 दिन का समय लगता है। उस बीच में आपका जो पुरानी कंपनी का सिम है वह चालू रहता है और आपकी जो नई कंपनी का सिम है वो आपको मिल जाता है। लेकिन होता क्या है, कुछ केस में जो आपको नई कंपनी का सिम मिला है वह बाई चांस आपसे क्या हो जाता है, गुम हो जाता है या आपसे खो जाता है और आपका एक्टिवेट सिम होने से पहले आपका सिम खो गया, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि आपका जिस कंपनी का सिम पुराना था वह तो बंद हो जाएगा और आपको जो नया मिला वो आपका खो गया है, तब आप उस केस में क्या करेंगे? तो आज हम लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है या हुआ है तब हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टेलीकॉम तक पर। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अगर आपने भी अभी तक अपना चैनल टेलीकॉम तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यही वह चैनल है जहां पर आपको इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे जहां आपको आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ये बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में कि टॉपिक ये था कि आपने सिम पोर्ट कराया और आपका सिम खो गया एक्टिवेट होने से पहले, अब आपको क्या करना है? तब आपको ये करना है कि आपने जिस पुरानी कंपनी से नई कंपनी में अपना सिम पोर्ट कराया था, सपोज करो आपने एयरटेल से अपना नंबर जियो में पोर्ट कराया था फॉर एग्जांपल, अब आपको क्या करना है कि आपका जो एयरटेल का नंबर है वो 5 दिन में जियो में कन्वर्ट होने के बाद एक्टिवेट होता है, बट उस बीच में आपका सिम कार्ड खो गया है। अब आपको क्या करना है? तो आपको ये करना है कि आपने जब जियो में अपना नंबर पोर्ट कराया था तब आपने जो डॉक्यूमेंट्स जियो में सबमिट कराए थे जिसके नाम से, उसके नाम से वो डॉक्यूमेंट जियो में आपके हो जाएंगे सबमिट। जब आपका नंबर एक्टिवेट होगा तब वह सिम आपकी उसी डॉक्यूमेंट्स पर रजिस्टर्ड हो जाएगी। तब आपको क्या करना है, जब आपका सिम एक्टिवेट हो जाए यानी आपका जब एयरटेल वाले नंबर पर नेटवर्क चले जाए तब आप अपना सिम जो आपको नया मिलेगा उसके लिए आपको एयरटेल के जो आपने नंबर था उसको आपको जियो के ऑफिस में जाना है और उनको बताना है कि भाई मैंने अपना एक नंबर पोर्ट कराया था और वो सिम एक्टिवेट होने से पहले मेरी सिम जो है वो गुम गई है या खो गई, जो भी आपके साथ हुआ आप बता सकते हैं वहां पर, अब आप मुझे एक नया सिम दे दें। तब वो लोग आपको क्या करेंगे कि आपने जो डॉक्यूमेंट वहां पर लगाए थे वही डॉक्यूमेंट्स और जिस भी बंदे के नाम पे आपने सिम कार्ड को पोर्ट कराया था वह बंदा वहां पर मौजूद होना चाहिए और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पर मौजूद होने चाहिए। तो आप ये लेकर के जाएंगे, वो लोग क्या करेंगे वहां से आपका सिम एक्सचेंज कर देंगे। जब आपका सिम एक्सचेंज करेंगे तो आपको जियो का नया नंबर वहां पर मिल जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा है, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है इस केस में। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि मेरा नंबर खत्म हो गया, मेरा सिम खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस कंपनी में आपने पोर्ट कराया वहीं जाके सिमएक्स करा लेनी है, बस सिमएक्स का ही प्रोसेस होगा, बाकी कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है और आपके नाम पर सिम कार्ड एक्टिवेट ऑलरेडी हो चुका होता है, वही सिम कार्ड आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक और एक कमेंट और एक शेयर तो बनता है, और साथ ही साथ आपको जो भी जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए या आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हम लोगों को कमेंट्स में बता सकते हैं।